निसान ट्रीरा 2009 मॉडल है, वर्षा इसमें बहुत बेड मिस्टर है। अभी इसका एक इग्निशन पॉइंट हम देखा कैसा मालूम, हम मालूम करेंगे कि कौन सा वाला इग्निशन पॉइंट काम नहीं करता। ये स्कैनर के बगैर तो नामुमकिन है, और इंटेक को लाजम खोलना चाहिए इग्निशन पॉइंट के लिए, स्पार्क काम के लिए। तो ये लाजम स्कैनर इधर ही हम लोग मालूम करेंगे कि कौन सा इग्निशन पॉइंट खराब है और कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले निशान भी देते हैं, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो देखो बहुत बेड मुश्किल है, ए सी की रस्त और ज़्यादा हो रहा है। जब ए सी ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी कंट्रोल यूनिट इंजन किसी एम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में चलते हैं, तो अभी इसको ओके करते हैं। सबसे पहले रीड पार्ट को, तो इसमें कोई प्रॉब नहीं है। तो अभी जाते हैं एक्टिवेशन टेस्ट, पावर बैलेंस एक्टिवेशन टेस्ट के बाद पावर बैलेंस में नो मॉनिटर डाटा। अभी एक एक को ऑन करेंगे। आइए नंबर वन कॉइल है, ऑन कर दिया, बहुत फर्क आया इंजन में। को बंद करते हैं, इतना फर्क नहीं आया, बहुत मामूली फर्क आया। तीसरे को बहुत ज़्यादा मिसफायर है, तो ये फोर्थ है बहुत ज़्यादा मिसफायर है। तो इसका मतलब है कि इसका इग्निशन कॉइल दो नंबर काम नहीं कर रहा है, तो दो नंबर पर बहुत सा मामूली फर्क होता है। अभी हम खोलेंगे यूट्यूब को और आप लोगों के साथ डिस्कशन शेयर करेंगे कि दो नंबर पर उसका इग्निशन कॉइल है। देखिए कोई फर्क नहीं आता, मामूली से फर्क आता है। तो अभी सिंह चौक को खोलेंगे। चूटा में ये मसला है कि इसके लिए इंटेक खोलना चाहिए, बाकी गाड़ियों के लिए तो मसला नहीं है। आप स्कैनर के बगैर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो नंबर कॉइल है, अभी इसको दूसरा कॉइल लगा के गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो स्कैनर के ज़रिए हम आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं। कोई कोई गाड़ी में बिल्कुल हाथ जाना नामुमकिन होता है, हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अभी सब कुछ फिक्स कर दिया है, अभी एसी ऑन करेंगे, चेक करेंगे। एसी बिल्कुल मिसफायर नहीं है, तो ये कोई भी निशान गाड़ी है स्कैनर के ज़रिए ऐसे चेक करते हैं। इंजन में जाएंगे, पावर बैलेंस में जाएंगे, उसके बाद एक्टिवेशन टेस्ट में जाएंगे। तो वहाँ से हम इसको एक एक बंद करके आराम से चेक कर सकते हैं। अभी ओके हो गया।